नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग के YouTube चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कक्षा 5 की जो 5वीं इकाई है चिड़ियाघर की सैर, उसकी समझ, गुजराती अनुवाद और अभ्यास के प्रश्नों तक की पढ़ाई मैंने आपको इसके अगले वीडियो में करा दी है। अब वहाँ से आगे आज मैं आपको जो स्वाध्याय के प्रश्न है उसके बारे में बताऊंगी। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, एक के बाद एक प्रश्न के उत्तर मैं आप सबको बताऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो हम सब जानते हैं कि एक लड़की उसके दादाजी के साथ चिड़ियाघर की मुलाकात के लिए गई थी। उस लड़की का नाम था गीता। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे, जबकि चिड़ियाघर के स्थान पर लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, तब भी लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो बच्चों, लंगूर एक प्रकार का बंदर है जिसका मुंह काले रंग का होता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा प्रश्न है, तालाब में क्या था। तो हम सब ने इकाई में देखा कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थे। तो इसके उत्तर में हम यही लिखेंगे कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख है थी। पांचवा प्रश्न है, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो आप सबको याद हो तो गीता ने अपने दादाजी से कहा था कि दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी ने उसे क्या कहा था कि बिटिया वह कछुआ है। तो गीता ने कछुए को पत्थर कहा था। तो पांचवे के उत्तर में हम लिखेंगे, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। उसके बाद छठा प्रश्न है, कछुए का रक्षक क्या है। तो कछुए का रक्षक उसका खोल है। जब कछुए को कोई मुश्किल आ जाए तो वह अपने हाथ पांव और सर को अपनी खोल में छिपा लेता है। तो छठे का उत्तर होगा, कछुए का रक्षक उसका खोल है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था। तो चिड़ियाघर में एक सफ़ेद रंग का विदेशी पक्षी यानी कि तोता था, जिसका नाम क्या था बच्चों, कातुआ। ठीक है ना। तो सातवें के उत्तर में हम लिखेंगे, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। उसके बाद आठवां प्रश्न है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो इस इकाई में हमें एक पक्षी जो सबसे बड़ा है वह दादाजी ने गीता को समझाते हुए बताया था। तो उस पक्षी का नाम क्या था बच्चों, शुतुरमुर्ग, है ना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर कई शब्द हैं, जैसे कि पहले वाक्य में आप देख सकते हैं हाथी, दूसरे में ऊंट, तीसरे में मोरनी और चौथे में शेर। तो उसकी लिंग परिवर्तन हमें करनी है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पेड़ पर बंदर लटक रहा था। तो उसके सामने वाक्य में आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है, पेड़ पर बंदरिया लटक रही थी। तो यहाँ पर बंदर और बंदरिया ऐसा किया है। ठीक है। इसी तरह नीचे जो चार वाक्य दिए गए हैं उसके उत्तर भी हमें इस तरह ही लिखने हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, उसमें शब्द है हाथी। तो हाथी का लिंग परिवर्तन होगा हथिनी। उसके बाद ऊंट, तो ऊंटनी। तीसरा मोरनी, तो मोर। और चौथा है शेर, तो शेर के सामने हम लिखेंगे शेरनी। ठीक है बच्चों। तो यह मैंने आपको लिंग परिवर्तन बता दिया। अब हमें सिर्फ वाक्य में ही उसका परिवर्तन करना है।
सबसे पहला वाक्य है, तालाब में हाथी नहा रहा था। तो सामने आप देख सकते हैं कि तालाब में, फिर आपको जगह दी गई है और लिखा है नहा रही थी, तो वहाँ पर हमें लिखना है हथिनी। तो पूरा वाक्य होगा, तालाब में हथिनी नहा रही थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा वाक्य है, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा था। सामने आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में फिर जगह दी गई है दौड़ रही थी, तो उस जगह में हम लिखेंगे ऊँटनी, क्योंकि ऊँट और उसका लिंग परिवर्तन होगा ऊँटनी। ठीक है, तीसरा वाक्य है, जंगल में मोरनी नाच रही थी। सामने जो वाक्य दिया गया है वहाँ पर हम लिखेंगे, जंगल में मोर नाच रहा था, है ना बच्चों। चौथा और आखिरी वाक्य है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा था। दहाड़ यानी कि गर्जना। तो उसके सामने जो जगह है यानी कि जो वाक्य है वहाँ पर हम लिखेंगे, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही थी। तो बच्चों, ये था हमारा अभ्यास का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न के दौरान हम ऐसे कई शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा कुत्ती। लड़का हो तो लड़की, चाचा तो चाची, ऐसे कई सारे शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन हम कर सकते हैं। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको एक जंगल का दृश्य यानी कि चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर आपको यह बताना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है और कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो इस चित्र के वर्णन में हम कह सकते हैं या तो लिख सकते हैं कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि पहाड़ भी दिख रहे हैं। एक छोटी सी नदी बह रही है। नदी में आप देख सकते हैं कि बतख तैर रहा है। चित्र में आप हाथी देख सकते हैं जो अपनी सूंड उठाए खड़ा है। हाथी के पास में एक खरगोश भी दिख रहा है। उसके बाद पेड़ पर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक बंदर लटकता हुआ दिखाई देगा। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। शेर भी देख सकते हैं जो अपनी गुफा में बैठा है। जिराफ जंगल में घूम रहा है। हाथी के पास जो खरगोश है वह घास में खेल रहा है या तो घास खा रहा है। उसके बाद आप नदी के तट पर देख सकते हैं, तट यानी कि किनारा, तो दो हिरन और हिरनी दिखाई दे रहे हैं, वह नदी का पानी पी रहे हैं। इस प्रकार इस जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं, उसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यास का चौथा प्रश्न है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको चार चित्र दिए गए हैं, शेर, बतख, गेंडा और तोता। नीचे आप देख सकते हैं तो आपको चार वाक्य दिए गए हैं, लेकिन वाक्य में जगह भी दी गई है। वहाँ पर उस जगह में आपको जो चित्र यानी कि जो शब्द उचित हो वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होगा। ठीक है बच्चों, पहले वाक्य में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जगह दी गई है, फिर लिखा है जोर से गर्जा। तो हम सबको पता है कि ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनमें से शेर ही ऐसा है जो सबसे जोर से गरज सकता है। तो पहले वाक्य में हम लिखेंगे, शेर जोर से गर्जा। उसके बाद दूसरा वाक्य है, चिड़ियाघर में एक सिंग वाला, फिर आपको जगह दी गई है। तो हम सबको पता है कि केवल एक ही प्राणी ऐसा है जिसके माथे पर सिंग होता है। तो ऊपर जो चार चित्र दिए गए हैं उनमें से एक गेंडा ही ऐसा है जिसके मुंह पर एक बड़ा सा सिंग है। तो दूसरे वाक्य में जो जगह दी गई है वहाँ पर हम लिखेंगे गेंडा। तो पूरा वाक्य होगा, चिड़ियाघर में एक सिंग वाला गेंडा था। तीसरा वाक्य है, तालाब में फिर आपको जगह दी गई है और लिखा है तैर रही थी। तो ऊपर जो चार चित्र है उनमें से केवल बतख ही ऐसा है जो तालाब में तैर सकता है। तो तीसरे के उत्तर में हम लिखेंगे बतख। तो पूरा वाक्य होगा, तालाब में बतख तैर रही थी। चौथा और आखिरी वाक्य है, हरियन
फिर आपको जगह दी गई है और लिखा है टेटे करता था। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि शेर, बतख और गेंदा, इन तीनों शब्द का उपयोग हमने अगली तीन जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कर लिया है। तो बाकी रहता है तोता। तो चौथे के उत्तर में हम लिखेंगे हरियल तोता टेटे करता था। तो ये था हमारा अभ्यास का चौथा प्रश्न। अभ्यास का पांचवा प्रश्न है, चित्र पहचानकर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। मैंने आप सबको पहले भी बताया था आयत यानी कि लंब चौरस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको कई चित्र दिए गए हैं और सामने आयत यानी कि लंब चौरस में उसके नाम दिए गए हैं। उनमें से आपको जो सही नाम है उसे ढूंढकर चित्र के सामने जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखना होगा। तो ये सभी प्राणी और पक्षी के नाम मैंने आपको चिड़ियाघर की शेर इकाई में बताए हैं। तो आपको किस प्राणी को क्या बोलते हैं हिंदी में, या तो फिर कौन से पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बारे में अब पता ही होगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहला चित्र है वह आप देख सकते हैं कि शेर का है। तो आयत में आप देख सकते हैं कि जो तीसरा शब्द है वह शेर लिखा है। तो शेर के सामने जो जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे शेर। शेर के नीचे जो चित्र है वह मूंगफली का है। तो आयत में आप देख सकते हैं कि सबसे आखिर में जो शब्द लिखा है वह लिखा है मूंगफली। तो उसके सामने आप लिखेंगे मूंगफली। उसके बाद तीसरा चित्र केले का है। तो आप आयत में देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा है गेंदा और उसके नीचे लिखा है केला। तो केले के सामने जो जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे केला। केले के नीचे जो चित्र है वह किसका है बच्चों, गेंदे का, ठीक है। तो सबसे पहला आयत में जो शब्द है वह लिखा है गेंदा, तो वहाँ पर आप लिखेंगे गेंदा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो काले रंग का प्राणी आपको दिख रहा है वह है भालू, है ना बच्चों। तो आयत में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर शेर लिखा है उसके नीचे लिखा है भालू। तो भालू के चित्र के सामने जो जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे भालू। आखिर में आपको एक मछली का चित्र दिया गया है, तो जहाँ पर भालू लिखा है उसके नीचे ही मछली लिखा है, ठीक है बच्चों। तो मछली के चित्र के सामने जो जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे मछली। बच्चों बाई ओर के जो चित्र थे उसका हमने अभ्यास कर लिया, अब हम दाई ओर के चित्र देखते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक मगर का चित्र दिया गया है। तो आयत में आप देख सकते हैं कि सबसे आखिर में लिखा है शुतुरमुर्ग और उसके ऊपर लिखा है मगर। तो मगर का चित्र है, उसके सामने आप लिखेंगे मगर। उसके बाद आपको गोरैया का चित्र दिया गया है। गोरैया को हम चिड़िया भी कहते हैं, तो सबसे पहले लिखा है गोरैया। तो जो चिड़िया का चित्र है उसके सामने आप लिखेंगे गोरैया। फिर आपको एक हरे रंग के तोते का चित्र दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मगर लिखा है उसके ऊपर तोता लिखा है। तो तोते के चित्र के सामने जो जगह है वहाँ पर आपको लिखना होगा तोता। उसके बाद का चित्र मोर का है। मोर है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वह आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तोता लिखा है उसके ऊपर ही मोर लिखा है। तो मोर का चित्र है, उसके सामने जो जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे मोर। उसके बाद का चित्र शुतुरमुर्ग का है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शुतुरमुर्ग है वह सबसे बड़ा पक्षी है। तो आयत में आप देख सकते हैं कि आखिर में जो शब्द लिखा है वह है शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग के सामने जो जगह है वहाँ पर आपको लिखना है शुतुरमुर्ग। आखिर में आपको एक हाथी का चित्र दिया गया है। तो आयत में आप देख सकते हैं कि गोरैया के नीचे आपको हाथी दिखाई दे रहा है। तो हाथी का चित्र है, उसके सामने आपको लिखना है हाथी। तो बच्चों ये था हमारा स्वाध्याय का पांचवा प्रश्न। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने स्वाध्याय के जो पांच प्रश्न थे उसके बारे में पढ़ाई की। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।